फ्लैट्स हो गया। उठा उठ, देखिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, मैं पता हो गया क्या हो गया तो मैं ठीक नहीं कर लूंगी। ज्यादा फास्ट बोलने के चक्कर में उल्टा सीधा बोल देती, सो इग्नोर। वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल दोज हू आर न्यू। हाई, माय नेम इज माधुरी एंड आई मेक वीडियोज ऑन मेकअप, स्किन केयर एंड फैशन। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दिस कैटेगरी देन हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन। सो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो काफी लंबे ब्रेक के बाद पूरे 11 मंथ अप्रोक्स 11 मंथ का मैंने ब्रेक लिया एंड नाउ आई एम शूटिंग दिस सिट डाउन वीडियो। इतने टाइम से मैंने कोई सिट डाउन वीडियो शूट नहीं की थी एंड आई मिस इट। लाइक मुझे बहुत ज्यादा मन करता है सिट डाउन वीडियो शूट करने का, आप लोगों से बात करने का। हाँ, सो ये वीडियो काफी टाइम से मेरा करने का मन था बट मैं कर ही नहीं पा रही, पता नहीं क्या हो जाता। तो आप लोगों को पता है कि मार्च मेरा बर्थडे निकल गया है, काफी टाइम हो गया। मैंने सोचा था कि अपने 19th बर्थडे के बाद मैं शेयर करूंगी लाइक 19 थिंग्स आई लर्न दिस ईयर। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक, ज्यादा फास्ट बोलने के चक्कर में उल्टा सीधा बोल देती, सो इग्नोर। वियर्ड। पहली चीज, सो द फर्स्ट थिंग इज इट्स ओके टू नॉट फील ओके। काफी बेसिक है, काफी लोगों की वीडियो में आपने सुना होगा, तो मेरी में भी सुन लो। इट्स ओके टू नॉट फील ओके। सबको ना, सबके बैड डेज होते हैं, सबके गुड डेज होते हैं, मेरे बहुत ज्यादा बुरे बुरे वर्स्ट दिन होते हैं, बट क्या करूँ, इट इज ओके। अगर आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, रोने का मन कर रहा है, रो लो, लाइक सब सही है। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। मूविंग ऑन टू अवर सेकेंड पॉइंट, स्किन केयर इज थेरेपी। लिटरली भाई, ये सच है, स्किन केयर एक थेरेपी है। अगर आपको लो फील हो रहा है, डिप्रेस्ड फील हो रहा है ना भाई, स्किन केयर कर लो। मैं क्या करती हूँ, जब मेरे को बहुत ज़्यादा लो फील होता है, मैं जैसे अपना फेस वॉश करती हूँ, फिर जो ऑयल होता है ना, कोई भी ऑयल ले लो, ठीक है, स्किन वाला ऑयल, नॉट सर वाला ऑयल नहीं, स्किन वाला, अपने फेस को उससे मसाज करो, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत मजा आता है स्किन केयर करने में, मेरा तो फेवरेट पार्ट ऑफ द डे है। थर्ड पॉइंट इज यूज सनस्क्रीन नो मैटर व्हाट। सो सनस्क्रीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। काफी सारे आर्टिकल वगैरह में और काफी सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि सनस्क्रीन इंपॉर्टेंट है, बट इट इज रियली इंपॉर्टेंट। मैंने खुद डिफरेंस देखा है अपने आप में, जैसे मेरी पहले स्किन थी उससे काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। सो मेरे को धूप से बहुत ज़्यादा एलर्जी थी, तो वो भी चीज़ ठीक हो गई है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको बुढ़ा नहीं होने देगी सनस्क्रीन, तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत। फोर्थ पॉइंट है, वो है हैविंग एक्ने एंड फेशियल हेयर इज ओके, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर आपको एक्ने है, ठीक है यार, है तो है, एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि जितना आप उसको सोचोगे ना उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनती जाएगी, फिर आपका ध्यान सिर्फ उसी पे जाएगा, ठीक है। और फेशियल हेयर सबको होते हैं, आप लड़की होगा, आप सोचो मेरे को इतना ज़्यादा बाल है फेस पर, सबके होते हैं भाई, मेरे भी बहुत ज़्यादा थे। लाइक लास्ट वीक ही मेरे को हार्मोनल एक्ने हो गया था, मेरे को इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड फील हो रहा था, इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, बिकॉज यार हर कोई इंसान पता नहीं क्या, लोगों को चुल होती है कि टोक देते हैं, लाइक पोक करते रहते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, भाई मैं पता हो गया क्या हो गया तो मैं ठीक नहीं कर लूँगी, ठीक है। हार्मोनल एक्ने था, अब थोड़ा कम होता जा रहा है। एक्ने एंड फेशियल हेयर्स आर नॉर्मल, सबके होते हैं, ठीक। सो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट हमारा, टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मेंटल हेल्थ, आप फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हो तो, आई मीन मैं तो नहीं रखती, बहुत कम रखती हूँ, बहुत लेजी हूँ मैं, ठीक है, है सो है। तो फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हो भाई, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख लिया करो, और म्यूजिक सुना करो, म्यूजिक लिटरली बहुत अच्छा फील कराता है। अगर आप दुखी हो ना, लाउड म्यूजिक सुनो, मैं नहीं बोलती कि दुखी हो तो सैड म्यूजिक सुनो, क्योंकि आप और ज्यादा सैड हो जाओगे। दुखी हो ना, लाउड म्यूजिक सुनो, डांस करो, दिलजीत दोसांझ के सॉन्ग सुनो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। लाइक फोन, लोग, टॉक्सिक लोग सबसे दूर करके सिर्फ अपने आप पर ध्यान दो, अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज सिक्स्थ पॉइंट, पॉइंट इज बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। लाइक भगवान जी को थैंक यू बोलो कि जो भी आपको दिया है, लाइक अच्छी हेल्थ दी है, अच्छी फैमिली दी है, अच्छे फ्रेंड्स दिए हैं, अच्छा खाना दिया है, बहुत बहुत ज्यादा लकी हो कि आप लोगों के पास सब कुछ है। बिकॉज जब ये चीजें चली जाती है ना, जब ये चीजें छिन जाती है, तब आपको रियलाइज होता है कि ये चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और आप लोगों को ग्रेटफुल होना चाहिए भगवान जी को कि आपको ये सारी चीजें मिल। भाई 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 भाई, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट, अच्छे से बैठो, मेरा पैर सो गया, भाई मेरा पैर सो गया, उठा उठ उठ, नहीं उठ रहा। सेवन पॉइंट है, पीपल विल जज यू नो मैटर व्हाट। भाई इतना जज करेंगे ना लोग तुमको, इतना जज करेंगे ना, तुम कुछ भी कर लो, तुम अच्छा कर लो तो भी जज करेंगे, बुरा कर लो तो भी जज करेंगे। लाइक मैं अपनी पॉइंट से बताती हूँ, मेरे को 11 महीने हुए थे, मैंने मेकअप नहीं किया था, मैं जस्ट करती थी डेली यूजुअल वाला लुक, कंसीलर लगा के वो सब कर लिया थोड़ा बहुत, वो भी कभी कभी, बट मैं स्किन केयर पे पोस्ट कर रही थी, स्किन केयर वीडियो, स्किन पे फोकस कर रही थी अपनी, ठीक है। मैंने इतना लंबा गैप लिया था, 11 मंथ्स का मैंने गैप लिया, ठीक है, तब भी लोग मुझे जज कर रहे थे, ठीक है।
ठीक है. और ऑल ऑफ अ सडन कुछ दिन पहले लास्ट वीक मैंने मेकअप का वीडियो पोस्ट कर दिया यार, उसमें भी कमेंट कर रहे थे भाई उसमें भी दिक्कत है. मैंने पूरे टाइम अपनी रियल स्किन दिखाई, ठीक है, मेरा स्किन का टेक्सचर दिखाया, मैंने एक्ने दिखाया, अपने पिंपल दिखाया, तब भी लोगों को चैन नहीं था. उसके बाद अगर मैं मेकअप कर रही तो भी लोगों को चैन नहीं, उसमें भी बोल रहे कि मेकअप तो है ना धोखा है, बदल देता है लोगों को. भाई पीपल विल जज यू, तुम चाहे कितना अच्छा कर लो, तुम चाहे बुरा कर लो, चाहे तुम मेकअप की वीडियो डाल दो, चाहे तुम बिना मेकअप की वीडियो डाल दो अपनी नॉर्मल स्किन दिखा के, तो भी वो लोग जज करेंगे. ज्यादा मेरे को गुस्सा आ जाती है ना, ज्यादा चिड़ हो जाती है, कुछ बेकार बोलता है, मैं ब्लॉक कर देती हूँ. दैट्स द बेस्ट ऑप्शन. अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान तो रखना पड़ेगा. 8th पॉइंट जो है हमारा बहुत बेसिक है, डोंट थिंक वॉट अदर्स विल थिंक. क्योंकि मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था भाई, मेरा दिमाग में यही चल रहा था कि अच्छा मैं ये पोस्ट करूंगी तो ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेंगे, फैमिली वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मतलब दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता था. इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती थी मैं कि बता नहीं सकती. बट ठीक है, अगर उनके सोचने से आप लोग चलोगे ना तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, वहीं स्टक रह जाओगे. सोचोगे लोग क्या सोचेंगे, जो तुमको मन कर रहा है, जो तुमको अच्छा लग रहा है वो करो, बस दैट्स इट, डू. 9th पॉइंट है, इट्स ओके टू हैव अ बैड डे. लाइक इट इज कम्प्लीटली ओके. आपका बुरा दिन जा रहा है, आपका दिन खराब स्टार्ट हुआ, पूरा दिन बेकार चला गया, इट्स ओके. आज का दिन बेकार गया, कल का बहुत अच्छा जाएगा. ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि एक एक दिन मेरा इतना वर्स्ट चला जाता है कि भाई मैं सुबह से रोना शुरू करती हूँ, शाम तक रोना ही रोना रोना धोना चलता रहता है. इट इज कम्प्लीटली ओके. बुरा दिन क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी बुरी है. ठीक है, होता रहता है. हमारा 10th पॉइंट है, हेल्प व्हेन यू नीड. पसीना आ रहा है क्या? आपका बुरा दिन, आपको फील हो रहा है बहुत लो फील हो रहा है, हेल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपको मन कर रहा है किसी से बात करने का, अपने फ्रेंड से बात करने का, अपनी फैमिली से बात करने का, मम्मी से बात करने का, पापा से बात करने का, जाके बात करो, उनसे डिस्कस करो. अपने दिमाग में वो चीज़ें सोचते मत रहो, टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट मत करो अपने अराउंड. लोगों से बात करो, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा आपको शेयर करके, और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. आपका जो ओवर थिंकिंग है ना वो भी स्टॉप हो जाएगी. सो हेल्प व्हेन यू नीड, उनसे हेल्प ज़रूर लो. मैं तो बोलूँगी लो ही लो. अगर दिमाग में कुछ घटिया और टॉक्सिक चीज़ें चल रही है ना अपनी बेस्ट फ्रेंड के ऊपर, सुना दो इसको, सुनाओ तो मैं शेयर कर लो, बहुत अच्छा फील होता है. मैं तो यही करती हूँ. 11th पॉइंट जो है वो है हमारा सम टाइम आउट विदाउट फोन. कभी कभी आप ऐसा क्या करो कि जब आपको बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, आप छत पर जाओ, स्काई को देखो अच्छे से, मतलब इन्वायरमेंट के अराउंड रहो और फ़ोन को ना अलग रख दो. क्योंकि जितना आप फ़ोन में लगोगे ना टॉक्सिसिटी क्रिएट कर दो. सॉरी छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ मैं अपने पैर को जगा लूँ, बिकॉज ये सो के पागल हो चुका है एंड मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है. 5 मिनट में मेरा जो 12th पॉइंट है वो है टॉक टू योर मॉम, शी इज़ दी थेरेपिस्ट. लाइक भाई सबसे दुनिया में सबसे अच्छा थेरेपिस्ट और सबसे अच्छा पर्सन जो आपको समझ सकता है इट्स योर मॉम. ठीक है, मेरी मम्मी तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है. अगर मुझे कभी भी लो फील होता है सब कुछ मैं उनसे जाके शेयर कर लेती हूँ. सो अपनी मॉम के साथ वो बॉन्ड क्रिएट करो, अपनी मम्मी के साथ वो बॉन्ड क्रिएट करो कि आप जब भी लो फील करो, जब भी आपको बुरा फील हो तो आप उनके साथ वो शेयर कर सको. ऐसा नहीं है कि अभी आप अगर 10th या फिर 11th 12th में होंगे ना तो आपके पेरेंट्स के साथ आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है. ठीक है, तो ट्राई करो आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, उनसे शेयर करो, बिकॉज उनके अलावा कोई और आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता, इतने अच्छे से समझ नहीं सकता जितने अच्छे से आपकी मम्मी समझ सकती है. और इतनी अच्छी एडवाइस देंगी ना, इतनी अच्छी एडवाइस देंगी. सो जस्ट ट्राई इट आउट. अगर आपको लो फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, अपनी मम्मी से जाके बात करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो. अगर बात भी करने का मन नहीं कर रहा ना, वो काम कर रही है ना, तो उनके साथ काम करवाओ, हेल्प करवाओ, और लाइक बहुत अच्छा फील होगा. आई नो सारे पॉइंट्स काफी बेसिक हैं, बट हम ये पॉइंट्स भूल जाते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में. सो दिस इज द रिमाइंडर फॉर यू. सो हमारा 13th पॉइंट है लूज होप. एक इंसिडेंट बताती हूँ. मेरे को एक काम करना था तो मुझे लग रहा था यार ये चीज़ नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी. मेरे दिमाग में चल रहा था नहीं होगी, नहीं होगी. मेरी मम्मी ने बोला जस्ट ट्राई इट आउट, मतलब ट्राई करके देख, अगर नहीं ज़्यादा ज़्यादा क्या हुआ, ना हो जाएगी. हाँ, और मैंने वो काम किया एंड हाँ हो गई एंड आई वाज शॉक्ड. लाइक हम लोग बहुत टाइम ये सोच लेते हैं कि ये चीज़ नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं नहीं होगी, पर हम ट्राई नहीं करते उस चीज़ के लिए. ट्राई करके देखो ज़्यादा से क्या होगा, ना होगी, दैट्स इट. सो होप कभी लूज मत करो किसी चीज़ के लिए. ट्राई करो अपना बेस्ट. तो ठीक है, हर चीज़ होती है, भगवान जी सबकी हेल्प करते हैं. हर चीज़ जो आपने विश करी है, जो आपने मैनिफेस्ट की है ना, वो ज़रूर होती है. गो ऑन अ सोलो डेट, ये मैंने अभी लास्ट टाइम किया था, आपने शायद व्लॉग देख लिया होगा सोलो डेट वाला. अगर नहीं देखा तो मैं आई बटन पर लिंक कर दूंगी, तो जल्दी से जाके उसको देख लेना इस वीडियो के बाद, इसको कंप्लीट करो. ठीक है, तो गो ऑन अ सोलो डेट भाई, बहुत मस्त फील होता है. सोलो डेट पर जाओ, अकेले जाके खाओ पियो मजे करो. एक तो मजे आते हैं, अकेले खाने को मिलता है, अच्छे से ठूस ठास के खा लो, जाओ ऐसे ही मूड आगे चलेगा. मतलब टी शर्ट पजामा शॉर्ट्स कहीं कैसे भी चली जाती हूँ. मैं भी ट्राई करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा जाऊँ, अकेले जाऊँ, बाहर घूमूँ, एक्सप्लोर करूँ, आप लोगों के साथ ले जाऊंगी, व्लॉगिंग करूंगी ऑब्वियसली. टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज 15th पॉइंट, टू एक्सरसाइज इवन इफ इट्स जस्ट
सिंपल वॉक. एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. थोड़ा सा भी वर्कआउट घर पर करना स्टार्ट करो, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करेगी, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा. मैंने ये खुद नोटिस किया है. मैं एकदम लाइक पड़ी रहती थी और अब मैंने थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया है, वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया है. होम वर्कआउट की वीडियोज़ बहुत सारी हैं, आप वो ट्राई कर सकते हो. आप इवन सिंपल वॉक पर जा सकते हो, बहुत अच्छा फील होता है. आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है और आपकी फिजिकल हेल्थ तो अच्छी रहती है. सो डू एक्सरसाइज. 16 पॉइंट, यू विल लूज पीपल. लाइक आप टाइम के साथ 11, 12 तक अगर 10th पे हो ना, तो आप फ्रेंडशिप लूज करोगे, आप लोगों को लूज करोगे, आपकी लाइफ से लोग चले जाएंगे. आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी एंड मूव ऑन करना पड़ेगा. आई नो इट्स हार्ड, बोलना इजी है, करना मुश्किल है, बट इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो लोग नहीं है आपकी लाइफ में और आपको मूव ऑन करना पड़ेगा. इट कैन बी योर फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी हो. सो मूविंग टू आवर 17th पॉइंट, टाइम विल हील एवरीथिंग. लाइक अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है, ये चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है, तो टाइम के साथ हर चीज़ हील हो जाती है. लेकिन लोग हील हो जाते हैं. अगर आपकी बॉडी में कोई दिक्कत है, वो चीज़ टाइम के साथ हील हो जाती है. टाइम इज़ द बेस्ट हीलर. अगर आपको लग रहा है आप बहुत स्ट्रेस्ड हो और लग रहा है यार क्या होगा, कैसे होगा, तो और टाइम पे छोड़ दो, सब कुछ होगा और अच्छा होगा. और जिस टाइम पे लिखा है उस टाइम पे ही होगा. पॉइंट विच इज़ बिलीव इन गॉड. तो भगवान जी में बिलीव करो, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है. मूविंग टू आवर लास्ट पॉइंट, 19th पॉइंट, जो कि है मेरा मोस्ट फेवरेट, विच इज़ मैनिफेस्टेशन. Really works. मेरे केस में तो वर्क करी है, ठीक है. मैनिफेस्टेशन वर्क करती है, इट इज रियल, इट इज साइंटिफिक और सच्ची भी वर्क करती है. लगेगा कि ये पागल हो गई है, ये मजाक कर रही है, ये उल्टा सीधा बोल रही है. मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी अपनी स्टोरी अगली वीडियो में या फिर एक दो वीडियो के बाद. मैनिफेस्टेशन सच्ची में वर्क करती है. आप एक बार ट्राई करके देखो, इमेजिन करके देखो, वो सच में हो जाएगा. आप जो इमेजिन करोगे ना, सब सच हो जाएगा. इट रियली वर्क्स. मैं भी शौक थी जब मेरे साथ हुआ, बट सच में वर्क करती है. 19 पॉइंट हो चुके हैं ऑलरेडी. एक बोनस पॉइंट हो रहा है, विच इज स्टार्ट सेइंग नो. आपको यस बोलना जरूरी नहीं है, यू हैव टू से नो, बिकॉज लोग आपका फायदा उठा लेंगे, ठीक है. सो नो बोलना सीखो एंड इट विल रियली हेल्प यू. आपकी लाइफ बहुत ईजी बना देगा, अच्छा बना देगा. सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा हो देन डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अच्छा लगा हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना. और आपको ऐसी और सेट ऑफ वीडियोज चाहिए तो वो भी मुझे बता देना. मुझे बहुत मजा आया ये शूट करने में, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाई.